हेलो एवरीवन, आज बनाएंगे आंवले का मुरब्बा। मुरब्बा दो तीन तरह से बनता है। एक तो डायरेक्ट बनता है कि बगैर उबालेंगे नहीं, बॉइल्ड किए बगैर, और एक होता है बॉइल्ड करके। आज बना रहे हैं बॉइल्ड करके बनाएंगे, जिसमें से खट्टापन भी थोड़ा कम हो जाएगा और टेस्टी भी लगेगा। आंवला अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो आंवला अभी छोटा है तो थोड़ा खट्टा भी रहता है, छोटा आंवला होता है। जनवरी के महीने में, दिसंबर जनवरी में थोड़ा बड़ा आंवला आता है और पका हुआ रहता है, उसमें खट्टापन कम होता है। इसलिए अभी छोटा है तो ताज़ा ताज़ा बना के अपन खाएंगे अभी अक्टूबर के महीने में। तो आधा किलो आंवला लिया है, आधा किलो आंवले को अच्छे से धो लेंगे, और उसमें थोड़ा कट कहीं लगा है या फिर कालापन है या कोई निशान पड़ा हो, उसको चाकू की सहायता से हटा देंगे। और उसमें डालेंगे पानी और उसको उबलने के लिए रख देंगे। बॉइल बहुत थोड़ा करना है, ज़्यादा बॉइल नहीं करना। दो तीन उबाल आने के बाद, उसमें थोड़ा बॉइल हो जाने के बाद उसको हटा लेना, नहीं तो हलवा हो जाएगा। इसलिए कम ही उबालना है, जिससे कि उसमें कलियां हैं वो निकल आएँ, इतना ही उबालना है। इसलिए कुकर में नहीं उबालना है, सिर्फ भगोने वगैरह में उबाल लेंगे तो दिखता रहेगा कि उसमें हल्का सा एक आंवला अपन दबाएंगे तो उसमें कलियां निकल आएँ, इतना ही आंवला बॉइल्ड करना है। अब इन सारे आंवलों को कलियां निकालने के बाद एक घंटे डेढ़ घंटे के लिए पंखे में सुखाने रख देंगे। पंखे में हवा लग जाएगी तो इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाएगा और ये अच्छे से फरारे हल्के से सूख से जाएंगे। पूरी तरह तो नहीं सूखेंगे लेकिन पानी उसका ख़त्म हो जाएगा। कपड़े पर बिछा देंगे, पंखा चला देंगे तो ये अच्छे से फरारे हो जाते हैं, ज़्यादा इसका पानी हट जाता है। और इसमें जो बॉइल्ड करने से इसका खट्टापन भी थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पानी निकल जाता है तो उसका खट्टापन कम हो जाता है और टेस्टी भी लगते हैं वो। और अभी अक्टूबर का महीना है तो थोड़े छोटे रहते हैं। आधा किलो अगर आंवला लिया है तो आप 400 ग्राम शक्कर लेंगे, उसमें एक कप पानी डालेंगे और एक बनाएंगे गाढ़ी सी चाशनी। गाढ़ी चाशनी इतनी बनाएंगे कि अच्छे से चिपकने लगे। तो एक कप पानी में तेज गैस भी कर सकते हैं, कम पर भी रख देंगे, पर ध्यान देंगे बार बार उसको चलाते रहेंगे, जिससे कि चाशनी जले नहीं और अच्छे से बन जाए। आंवले में खुद आंवला जो होता है उसमें अगर चाशनी में जब डालेंगे गाढ़ी गाढ़ी चाशनी में, तो वो खुद पतला, चाशनी खुद पतली हो जाती है। आंवला मतलब पानी छोड़ देता है, इसलिए अपन चाशनी बनाएंगे बिल्कुल गाढ़ी, एक तार की नहीं बनाएंगे बल्कि अच्छे से हाथ से चिपकने लग जाए उस तरह गाढ़ी चाशनी तैयार कर लेंगे, जिससे कि आंवले उसमें, तब उसके बाद ही उसमें आंवले डालेंगे। अब देखिए गाढ़ी चाशनी तैयार हो गई है। अब जब प्लेट में अपन थोड़ी सी चाशनी डालेंगे तो वो जम जाती है, देखो थोड़ी करीब दो एक मिनट बाद वो जमने लग जाएगी और फैलेगी नहीं, हाथ में भी वो चिपकने लगेगी इस तरह। अभी चिपकने लगी है और गाढ़ी हो गई है चाशनी। अब इसमें डाल देंगे आंवले। अभी देखो कितनी अच्छी गाढ़ी चाशनी हो गई है। अब इसमें आंवले डाल सकते हैं, आंवले डालने, अब इस आंवले भी थोड़े सूख गए हैं, अब इसमें आंवले डाल देंगे और ताज़ा ताज़ा बना के अपन, ताज़ा आधा किलो का बना लो और फिर पूड़ी पराठे वगैरह के संग, बच्चों को भी अच्छा लगता है, इसकी चाशनी भी अच्छी मीठी होती है तो पराठे के संग दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। ताज़ा ताज़ा डाल लो, आधा किलो ख़त्म हो जाए फिर डाल लो, इस तरह डालते रहेंगे तो बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। और इसकी कलियाँ, फ़ायदा ही रहता है पूरा आंवला देने की जरूरत, जितना बच्चे खाएँ उतना ही आप दे सकते हैं। अब इसमें चाशनी में डाल दिया है, आप देखिए आंवले ने पानी छोड़ दिया है, फिर से चाशनी पतली हो गई है। अब चाशनी में आंवले को बॉइल करते रहेंगे जब तक कि ब्राउन ना हो जाए। ब्राउन होने के बाद उनको निकाल लेंगे, क्योंकि चाशनी की गाढ़ी होने तक का इंतज़ार करेंगे तो ये बिल्कुल हलवा टाइप हो जाएगी। जो आंवले हैं बिल्कुल पक जाएंगे और बिल्कुल टूट जाएंगे, कलियां उसकी पूरी साबित नहीं रहेंगी और हलवा जैसी हो जाएंगी। इसलिए ब्राउन होने के बाद आंवले की कली को अपन एक बाउल में बाहर निकाल के रख लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया, बच्चे देख के ही खाना पसंद करेंगे। आंवला तो वैसे भी बहुत फ़ायदा करता है, हर जगह ही बोला जा रहा है आंवले की, आंवला किसी भी तरह आप उपयोग करें, आंवला प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो अब देखिए कितने अच्छा लग रहा है, इसको एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये क्या है, टूटेंगी नहीं, कलियाँ अच्छी बनी रहेंगी, लेकिन चाशनी जो पतली हो गई है उसको थोड़ी देर तक और गाढ़ा करेंगे। अब ये पतली चाशनी, इसको गाढ़ा कर लेंगे जिससे कि
इसमें पानी, जो आंवले का पानी निकला हुआ वो सूख जाए, नहीं तो खराब होने के चांस रहते हैं। चाशनी गाढ़ी हो गई है, अब सब पानी नहीं सारा ख़त्म हो गया है। अब फिर इसको आप थाली वगैरह में डाल के देखेंगे तो ये जम जाती है, इतनी गाढ़ी हो गई। अब इसको चाशनी को बाउल में आंवले जिसमें रखें उसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ये जब ठंडी हो जाएगी तब किसी कांच के जार में भरकर इसको रख देंगे। हमेशा आंवला जब बनाते हैं तो उसमें लोहे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हो लोहा पीतल, ना लोहे की कढ़ाई लेनी चाहिए ना कोई बर्तन लोहे का लेना चाहिए, तो ये काले हो जाएंगे क्योंकि आंवला तुरंत काला हो जाता है लोहे से टच होने पर। लोहे का इस्तेमाल ना करें, इससे बेटर है कांच की जार में भर कर रखें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए कितनी अच्छी चाशनी भी तैयार हो गई है और आंवला भी कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को आप अपने, बड़े भी पूड़ी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं। सर्दियों में तो आलू का पराठा, मेथी का पराठा, कोई भी पराठा बना रहे हैं तो आप इसमें सर्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। वीडियो पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।